और मांझी के दोहकातु पंचायत में बिरहोर जनजाति के 14 परिवार रहते हैं, लेकिन गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इनका जीवन बद से बदतर हो गया है। गांव में न तो अच्छी सड़क, न ही पीने के पानी की सुविधा, गांव में रोजगार का भी साधन नहीं है, जिसके कारण इनके जीवन में समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। और मांझी प्रखंड से सटे दोहकातु पंचायत के बिरहोर कॉलोनी में पेड़ पहाड़ों घने जंगलों के बीच जीवन बसर करने वाले बिरहोर जनजाति के 14 परिवार निवास करते हैं। इन सभी परिवारों का जीवन काफी परेशानियों से गुजर रहा है। भले ही सरकार इन जनजातियों के उत्थान के लिए अनेकों तरह की योजनाएं चलाने की बात करती हो, लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुँचती दिखती है। और पानी उन्हें कहाँ से पिए ला तू पानी कोई यहाँ चपाकल उपाकल ने खे का ना खे देख ले हमें तो बड़ा दिक्कत है। पीने के मेन कारण प्रॉब्लम रह गई कि खाली कोटा में 35 केजी चावल, वो भी 35 पूरा नहीं दे पाता है। सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुंच रही है। गांव में लगा पानी का टंकी इस्तेमाल में आने लायक नहीं है। यहाँ ना बिजली है, ना शौचालय और ना ही अन्य सरकारी योजनाओं का इन्हें लाभ मिल पा रहा है। गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। बिरहोर लोग सीमेंट के बोरे से रस्सी बनाने का काम करते हैं, जिससे उनका गुजारा होता है। समस्या है कि हम लोग का कोई पानी का डीप तो है, लेकिन टंकी नहीं है। टंकी रहता तो आदमी इधर उधर से कोई तरी पानी का व्यवस्था कर ही लेता। अब कुआं एगो है ही है, कभी सूख जाता है, कभी तो पानी रहता है। बिरहोर लोग के दुकान तो नहीं है यार, कौन दुकान चला पाएगा? उतना रुंजी पूंजी रहेगा तभी तो कोई उपाय होगा। टक्कर अगर व्यवस्था देंगे तो फिर और बढ़िया से चलेंगे, भूलेंगे, घूमेंगे और व्यवस्था होगा और चलाएंगे गाँव देहात को। बिरहोरों के हित के लिए, इनके उत्थान के लिए और इनकी जिंदगी को मुख्य धारा में लाने की बात जिम्मेवार लोग तो काफी पहले से करते आए हैं, लेकिन तस्वीर वही की वही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए ओरमांझी से मोहसिन आलम की रिपोर्ट।